कहते हैं इंसान को हमेशा उनका कर्जदार रहना चाहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात सिर्फ दोस्ती निभाने की थी और कर्ण ने भी वही किया। भले ही महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक महासंग्राम था, लेकिन उस युद्ध में कई योद्धा ऐसे भी थे जो जानबूझकर अधर्म का साथ निभाने के लिए मजबूर थे। भीष्म पितामह जहां कौरव वंश के सरपरस्त बनकर उस युद्ध में शामिल हुए थे, तो गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण कौरवों का साथ दे रहे थे, क्योंकि अश्वत्थामा और दुर्योधन में अपार मित्रता थी। पर उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो महारथी था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, फिर भी उसे पता था कि उसका अंत निश्चित है, क्योंकि पांडवों की सेना पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और उनके ही मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन बात मित्रता निभाने की थी, चाहे फिर अंजाम कुछ भी हो। कर्ण ने भी यही किया, पूरी शिद्दत से मित्र की हर बात मानी, अपने सभी इच्छाओं को तिलांजलि दे दी और उसके बाद माता कुंती को भी अपने पुत्रों के जीवन दान के लिए उनसे निवेदन करना पड़ा था। उनके कवच और कुंडल भी दान में मांग लिए गए। इसके बाद भी कर्ण ने अपने वचन की गरिमा पर आंच नहीं आने दी और मित्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसे महारथी थे जिस पर दुर्योधन के साथ समस्त कौरव सेना आंख मूंद कर भरोसा करती थी, और कर्ण ने भी बखूबी दुर्योधन के भरोसे का मान रखा और हर जगह पांडवों की सेना के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। फिर जब एक एक करके सब योद्धा धराशायी होते गए, तो दुर्योधन ने कर्ण को ही अपना सेनापति बनाया और पांडवों का अंत करने के लिए कहा। लेकिन उससे पहले कुंती माता ने कर्ण से मिलकर अपने पुत्रों का जीवन दान मांगा। हालांकि कर्ण भी माता कुंती के ही पुत्र थे, लेकिन दुर्योधन से अपने वचन के कारण बंधे हुए थे और उन्होंने कहा, अगर आप मुझे भी अपना पुत्र मानती है तो आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव तो रहेंगे ही, लेकिन अर्जुन की जगह या मैं रहूंगा या मेरी जगह अर्जुन। माता कुंती दोनों को ही नहीं खोना चाहती थी, पर युद्ध नीतियों के आगे वो भी मजबूर थी। अगले दिन जब युद्ध का बिगुल बजा तो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में कर्ण को अधर्म की उन नीतियों का भान कराया जो वो कौरवों के साथ मिलकर हमेशा करते रहे, और अंत में कर्ण समझ गए कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ अधर्म का साथ दिया। और जब उनके रथ का पहिया रणभूमि में धस गया तो उसे निकालने के बहाने एक तरह से उन्होंने युद्ध भूमि में समर्पण कर दिया और अर्जुन ने उनका अंत कर दिया। कर्ण का यही समर्पण दुर्योधन को रास नहीं आया और उसने जीवन भर की वफादारी को 2 क्षण में भुलाकर कर्ण को धोखेबाज कह दिया, क्योंकि स्वयं दुर्योधन किसी का वफादार नहीं था। उसे दोस्ती के कर्ज की कीमत पता ही नहीं थी, लेकिन कर्ण उस युद्ध में वो कर गए कि जाते जाते वीरता का एक इतिहास लिख गए।